स्टूडेंट, दिस इज पंकज धीमान, फैकल्टी मेंबर ऑफ SBS लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर. वी आर स्टडिंग लॉ ऑफ एविडेंस एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट. इज द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन एविडेंस. सो एविडेंस लॉ में हम देख रहे हैं कि किन किन एविडेंस की इंपॉर्टेंस होती है. देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस आपने देखी, हेयरसे एविडेंस की आपने इंपॉर्टेंस देखी, आपने प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस की इंपॉर्टेंस को देखा. और इसी कंटेक्स्ट में अब आगे पढ़ेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और इनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है इन एविडेंस लॉ में वाइल एडमिटिंग और एनी फैक्ट. सो डॉक्यूमेंट आर कंसिडर्ड ऑफ टू टाइप, यू नो वेरी वेल, डॉक्यूमेंट टू टाइप के होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट. सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइन द पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट. तो सेक्शन 74 और सेक्शन 75 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात जो है यहाँ पे करता है. पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 74. तो सेक्शन 74 के अंडर इन सभी डॉक्यूमेंट को जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया है. डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि जो है सभी एक्ट की जो है को रिकॉर्ड जो करता है. किसके एक्ट को रिकॉर्ड करता है? सॉवरन अथॉरिटी के एक्ट को जो रिकॉर्ड करता है. दूसरा, ऑफिशियल बॉडीज और ट्रिब्यूनल के एक्ट को जो है रिकॉर्ड करता है. पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, एनी पार्ट ऑफ इंडिया और द कॉमनवेल्थ और द फॉरेन कंट्री, ये सारे जो हैं इनके किए हुए सारे एक्ट जिस फॉर्म में कंटेन होते हैं, जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्हीं को जो हम पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं. तो पब्लिक डॉक्यूमेंट, सॉवरन अथॉरिटी जो भी एक्ट कर रही है अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है. ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल जो भी एक्ट कर रहे हैं वो अपने आप में एक पब्लिक रिकॉर्ड है जब उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है. पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जितने भी एक्ट होते हैं जो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं. जैसे जुडिशरी क्या कर रही है, नंबर्स ऑफ डिसीजन दे रही है, तो उनके सारे डिसीजन जो है वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है. एग्जीक्यूटिव जो सरकार होती है बड़े सारे रूल्स रेगुलेशन निकालती है, लेजिस्लेटिव बड़े सारे कानून बनाती है, पब्लिक ऑफिसर भी जो है बड़े सारे जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं. ये जो भी एक्ट कर रहे हैं और उनका जो रिकॉर्ड वो रखते हैं, उन सभी को क्या बोला जाता है? पब्लिक रिकॉर्ड यहाँ पे बोला जाता है. पब्लिक रिकॉर्ड जो है हम इसे भी बोलते हैं पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ये भी पब्लिक रिकॉर्ड में ही आता है. पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? दस द प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे पब्लिक नहीं आएगा, प्राइवेट आएगा. दस द प्राइवेट डॉक्यूमेंट मीन्स सच डॉक्यूमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट वाइल एक्टिंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी एंड आर केप्ट इन द स्पेशल कस्टडी. अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक रिकॉर्ड में रखते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? पब्लिक रिकॉर्ड हो जाते हैं. कैसे? जब उनको बनाने वाला जो है एक पब्लिक सर्वेंट है और वो उसकी कैपेसिटी में रखे जाते हैं और उसकी स्पेशल कस्टडी में, गवर्नमेंट की कैपेसिटी में, उस पब्लिक ऑफिसर की कैपेसिटी में, कस्टडी में जो रखे जाते हैं, तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी क्या बन जाते हैं? पब्लिक रिकॉर्ड जो है बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है बन जाते हैं. जैसे कि आपका आधार कार्ड है, ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होता है, लेकिन इसका सारा ब्यौरा जो होता है, सारी जो डिटेल जो होती है, वो किसके पास रहती है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास रहती है जो कि इससे रिलेटेड है. तो ये क्या हो गया? अपने आप में एक पब्लिक रिकॉर्ड यहाँ पे बन जाता है. तो पब्लिक रिकॉर्ड क्या है? वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि सॉवरन अथॉरिटी के, ऑफिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल के, पब्लिक ऑफिसर के, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उनके सभी एक्ट को जब रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड में जब उनके सारे एक्ट को रखा जाता है, तो वो पब्लिक रिकॉर्ड है. दूसरे जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू बनाए जाते हैं और वो अपनी कैपेसिटी में रह के उनको बनाता है और उसकी ही जो है कस्टडी में वो रहते हैं, तो वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी क्या बन जाते हैं? पब्लिक रिकॉर्ड जो है यहाँ पे बन जाते हैं. सो अगर अब आप डेफिनेशन को ब्रीक करें यहाँ पे, तो ये आपको बातें समझ में आ जाएंगी. डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट शोज फॉलोइंग सिम्टम्स. इट मस्ट रिलेट टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ये लोगों से रिलेटेड होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए. तो जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं कहीं ना कहीं उसका सब्जेक्ट मैटर जो है पब्लिक ही होता है, उनका ही इंटरेस्ट उसमें होता है.
इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट, और ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक सर्वेंट ने बनाए होते हैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान। इट इज़ केप्ट इन द स्पेसिफिक कस्टडी, और ये सारे जो है स्पेसिफिक कस्टडी में रखे जाते हैं। इट सर्टिफाइड कॉपीज आर एडमिटेड एज ओरिजिनल एविडेंस, और इसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी होती है उनको भी ओरिजिनल एविडेंस ही माना जाता है। सच डॉक्यूमेंट आर कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इट्स कंटेंट प्रोवाइडेड दे हैव नॉट बीन रिबटेड। तो इसके जो कंटेंट होते हैं ये भी क्या माने जाते हैं, प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ माने जाते हैं अगर इनको कोई रिबट वहाँ पर ना कर दे। तो इस तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट आपके सामने है। देखिए वोटर लिस्ट जो है एक डॉक्यूमेंट है गोपी कृष्ण वसी शंकर लाल डिकौत AI 2005 के में बोला गया। स्कीम जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट 1948 के अंडर जो बनाई गई है वो स्कीम सारी अपने आप पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बनाई है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसने बनाई है, तो वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर CESC वर्सेस नवा कबो कुमार मंडल AI 2000 कलकत्ता के समय बोला गया। द सर्टिफिकेट इशूड बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट दैट द लैंड ऑनर हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी ऑर्डर ऑफ द मनी ऑफ द रेंट सेंट बाय द टेनेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो एक सर्टिफिकेट जो कि पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने दिया है जिसमें एक लैंड ऑनर जो है उसने जो है मनी ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो ये अपने आप में एक पब्लिक रिकॉर्ड जो है बन जाता है। प्राइवेट वक्फ डीड, अगर एक डीड बनाई गई है, प्राइवेट वक्फ डीड जो बनाई गी है और वो ऑफिस के रिकॉर्ड में है सब रजिस्ट्रार के, तो वो अपने आप में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। फजल शेख वर्सेस अब्दुल रहमान के केसेस में आया। एन एग्रीमेंट विच कंटेन अ स्टिपुलेशन बिटवीन द ट्रस्ट एंड द गवर्नमेंट एंड बोर्ड इस्टेब्लिश द टेम्पल शेल ऑल्सो इंक्लूड द गुरुद्वाराज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये सारे जो है आपके पास जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है बन जाते हैं। बट सच डॉक्यूमेंट विच इज नॉट अकॉर्डिंग विद द गवर्नमेंट रूल शेल नॉट बी पब्लिक डॉक्यूमेंट। पी तेंगकुल वर्सेज गेंगुरिंग AIR 1992 गुवाहाटी के केसेस में ये साफ बोला गया कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं माना जाएगा। अब आते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेक्शन 75 में क्लियर किया गया है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा वो क्या होगा, प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा। ऑल अदर्स डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट। ऑल अदर कौन से, कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। दिस इज नॉट अ लिटरल डेफिनेशन ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू इट। डॉक्यूमेंट विच आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट शैल बी अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, लाइक कॉन्ट्रैक्ट, मॉर्गेज डीड, अडॉप्शन डीड, ये सारे क्या हैं, दो पर्सन के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दो पर्सन, मॉर्गेज दो पार्टीज के बीच में होता है, अडॉप्शन डीड दो पार्टीज के बीच में होता है, ये सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, ये सारे क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है माने जाते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब ये सर्टिफाइड कॉपीज जो होती हैं वो क्या है, सेक्शन 76 के अंडर बताया गया है। सर्टिफाइड कॉपी अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी होती हैं उसको एविडेंस लॉ में भी इंपॉर्टेंस दी गई है। एवरी पब्लिक ऑफिसर बेयरिंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, हर कोई पब्लिक ऑफिसर जिसके पास जो है कस्टडी है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, विच एनी पर्सन हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट, जिसमें हर एक पर्सन का राइट है, हर एक आम इंसान जो है उन डॉक्यूमेंट को जो है इंस्पेक्ट कर सकता है, शैल गिव दैट पर्सन ऑन द डिमांड अ कॉपी, और एक कॉपी भी जो है उस पब्लिक ऑफिसर को देनी पड़ेगी उस इंसान को जो उसकी कॉपी लेना चाहता है, आफ्टर पेमेंट ऑफ द लीगल फीस, अगर कोई फीस रखी हो तो फीस पे करने के बाद, टुगेदर विद द सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, और ये कॉपी जो है ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। एज द केस मे बी, एज सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब बाय सच ऑफिसर, और उस कॉपी पे जो है जो सर्टिफिकेट जो दे रहा है उस पर उसकी डेट और उसकी सब्सक्रिप्शन डेट होनी चाहिए, उस ऑफिसर का जो है नेम और ऑफिशियल टाइटल वहाँ पे होना चाहिए, वो सील्ड होना चाहिए। तो इन सभी को हम जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है मान सकते हैं। तो अब यहाँ से पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप ये पॉइंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। दस द सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज सच कॉपी ट्रूथनेस ऑफ विच इज सर्टिफाइड। तो यहाँ पे क्या है, देयर मस्ट बी अ प्रूफ दैट इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी उसको माना जाएगा जो कि ओरिजिनल कॉपी की ट्रू कॉपी यहाँ पे है। देयर मस्ट बी अ प्रूफ दैट इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल, ये प्रूफ हो आपके सामने कि ये ओरिजिनल कॉपी की एक ट्रू कॉपी है, यह प्रूफ आपके पास हो। इट मस्ट कंटेन द डेट ऑफ इशू ऑफ कॉपी, और जिसने इसको जो है इशू किया है उसकी जो है यहाँ पे एक
इशू डेट भी होनी चाहिए, इट मस्ट बी साइंड विद द नेम एंड ऑफिसर इशूइंग एंड इट इज़ ऑफिशियल टाइटल, और जिस पब्लिक ऑफिसर ने इस पब्लिक डॉक्यूमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी जो है इशू की है उस पब्लिक ऑफिसर के साइन भी होने चाहिए, उसका ऑफिशियल डेजिग्नेशन भी वहाँ पे होना चाहिए, उसका ऑफिशियल टाइटल भी वहाँ पे होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन द सील ऑफ द ऑफिसर साइनिंग द सिग्नेचर, और वहाँ पे जो है उस पब्लिक ऑफिसर की सील और उसके सिग्नेचर भी वहाँ पे होने चाहिए। तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ये है, अगर ये सारी बातें प्रूव वहाँ पे हो जाती है और ये एक एविडेंस वहाँ पे मारा जाएगा। द एप्लीकेशन सेक्शन 76 रिक्वायर द फॉलोइंग ऑफ द कंडीशन, सेक्शन 6 की एप्लीकेशन के लिए ये चीज़ें पूरी होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये आपने ऊपर भी पढ़ा, और ये डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में है, एवरी पर्सन हैव अ राइट टू एग्जामिन द सच डॉक्यूमेंट, हर एक पर्सन के पास राइट है कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट को जो एग्जामिन कर सकता है, प्रेस्क्राइब फीस भी उसके लिए पे की जाए जब आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लें। तो अगर आप किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें हैं तो वो क्या मानी जाएंगी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएंगी, और ये एडमिसिबल होंगी एविडेंस लॉ में, एडमिशन इन द एविडेंस, देख लीजिए यहाँ पे सेक्शन 77 प्रोवाइड्स दैट द सच सर्टिफिकेट कॉपीज मे बी एडमिटेड एज एविडेंस, दिस इज हैड बीन मेंशन अंडर इट दैट सच सर्टिफाइड कॉपी मे बी प्रोड्यूस इन द प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ विच दे सपोर्ट प्रपोर्ट टू बी द कॉपीज। तो ये जो आपके पास सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं ये उस पब्लिक डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसको प्रूफ करने के लिए कोर्ट में लाई जा सकती है एज ए कॉपी, दस द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रज्यूम्ड प्रूव द कंटेंट ऑफ देम। तो ये बात क्लियर है कि आप पब्लिक डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट को प्रूव करने के लिए उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जो है कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। करामती वर्सेस शिवलिंगम AI 2009 NOC चेन्नई का केस है, इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द चेन्नई हाई कोर्ट दैट रिस्पेक्ट ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ द सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा इशूड बाय द स्टैचुटरी अथॉरिटी फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन बाय द अथॉरिटी इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। तो एक सर्टिफाइड, एक जो है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने दिया है, स्टैचुटरी अथॉरिटी ने वहाँ पे उसके रजिस्टर में मेंटेन था वो रिकॉर्ड वहाँ से दिया है, तो वो एक वैलिड सर्टिफिकेट होगा और वो सर्टिफाइड कॉपी जो है मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपने पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को यहाँ पे समझा है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको यहाँ पे देखा। थैंक यू सो मच।